खबर बांदा से है, जहां एंटी करप्शन टीम झांसी ने आज चित्रकूट धाम मंडल रोडवेज के आरएम को घूस लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ लिपिक की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने यह कार्रवाई की। बता दें कि रोडवेज चित्रकूट धाम मंडल का कार्यालय बांदा में है, जहां पर आरएम संजीव अग्रवाल तैनात है। आज एंटी करप्शन टीम झांसी ने छापा मारकर आरएम संजीव अग्रवाल को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम संजीव अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई। शिकायतकर्ता वरिष्ठ लिपिक रमेश वर्मा ने बताया कि वेतन विसंगति को लेकर उन्होंने आरएम को कई बार एप्लीकेशन दिया था, लेकिन आरएम द्वारा लगातार 15,000 की घूस मांगी जा रही थी, जिस पर 10,000 में सौदा तय हुआ। वरिष्ठ लिपिक रमेश वर्मा ने यह पूरी जानकारी एंटी करप्शन की टीम को दी। साथ ही बताया कि आरएम संजीव अग्रवाल संविदा कर्मियों की संविदा खत्म कर उनसे वसूली करते थे। इसके अलावा अन्य कर्मचारी भी इनसे बुरी तरह पीड़ित है। रमेश कुमार वर्मा जी हैं वरिष्ठ लिपिक रोडवेज कार्यालय, तो इनके द्वारा शिकायत की गई थी हमारे कई कार्यालय झांसी जाके। यहाँ हमारे जो आरएम साहब हैं संजीव अग्रवाल जी, ये जो है इनकी वेतन विसंगति को ठीक करने के लिए रुपये की मांग कर रहे हैं। कितने रुपए की मांग की गई थी? उनसे 15,000 रुपए की मांग की गई। जब इनने ज़्यादा आरजू मैंने की कि साहब 10,000 रुपए ले लीजिए, 10,000 रुपए में इनका तय हो गया। तो इनने हमें जो है कल जाके एप्लीकेशन दिया और बताया कि हमारा जो है 24 तारीख को उन्हीं के कार्यालय में पैसा देना तय हुआ है। वो कह रहे जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। आज इनके द्वारा जब हम लोग यहाँ आए और इनको जो नोट होते हैं उनके नोटों को टीटेड करके पाउडर वगैरह लगा के इनको दिया गया। इनमें जाके आरएम के कार्यालय में जाके उनको वो नोट दिए। हम लोग यहाँ आके डीएम साहब के यहाँ से दो गवाह लेके वहाँ इनको लगाया। जैसे ही शिकायतकर्ता अंदर गया, बाहर हम लोग लगे हुए थे और इनने गेट खोल के अंदर पहुँचे और पैसे जैसे इनकी बात किए, बात करने के बाद जैसे पैसे दिए ऐसे लगे यहाँ संजीव अग्रवाल जी को, जो आरएम के पोस्ट पे हैं यहाँ रोडवेज बांदा में, क्षेत्रीय कार्यालय है इसमें आरएम के पदते हैं। इन्होंने 10,000 रुपये जैसे ही दिए उनको रंगे हाथों पकड़ लिए। कितनी सदस्यीय टीम ने आज यहाँ रोडवेज पर सर्विस छापा मारा? 7 सदस्यीय टीम है जो लखनऊ से नियुक्त किए गए टीम, एंटीग्रेशन टीम झांसी कार्यालय। क्या सुनना है आपको? इकट्ठा सुरेंद्र, क्या शिकायत की थी आपने? वेतन संशोधन का था, वेतन संशोधित होना। कहाँ पर शिकायत की थी? नहीं, पहले मैंने प्रार्थना पत्र दिया अपने विभाग में, उनके द्वारा नहीं किया गया। जब मैंने रिमाइंडर एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा कि चाहे आप जितने रिमाइंडर एप्लीकेशन दो, पैसे नहीं दोगे वो नहीं पाएगा। फिर आपने कहाँ शिकायत की? मैंने झांसी जाके एंटी करप्शन टीम को बताया और कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उसको पकड़वा सकता हूँ। आज क्या हुआ फिर? आज टीम वहाँ से झांसी से आ चुकी थी और मेरे द्वारा जो उनकी डिमांड थी 10,000 रुपये दिए गए उनको, और पीछे से टीम पहुँच गई, पैसे उनकी जेब में मिले और उनको पकड़ के टीम मिली। लगभग कितने दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे अपने कर्मचारियों को? ये अपने कर्मचारियों को जब से यहाँ इस रीजन में आए और जो कुछ दलाल हैं उनके द्वारा ये अपने यहाँ की पोजीशन लेते रहे और इसके बाद सक्रिय हो गए 2-3-4 महीने बाद, और कर्मचारियों को मतलब उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और पैसे लेना शुरू कर दिए। उत्पीड़न के दायरे में क्या संविदा कर्मचारी भी आते थे इनके? जी हाँ, संविदा कर्मचारी सबसे ज़्यादा इनके उत्पीड़न के दायरे में हैं। वो इसलिए कि पैसे लेने के लिए उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती हैं, अगर कोई अनुपस्थित है तो उसकी संविदा समाप्त करके ये अपने यहाँ आर्बिट्रेशन करते थे और आर्बिट्रेशन में पैसा लेकर के ही बहाल किया जाता था उन लोगों को जिनसे पैसे मिलते थे। अगर किसी की कोई सिफारिश है, चाहे मुख्यालय का कोई इनसे बड़ा अधिकारी जीएम वगैरह सिफारिश करें कि इसको बहाल कर देना, या जनप्रतिनिधि इनसे कहते थे कि भाई ये पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया इसको बहाल कर देना, या कर्मचारी संगठन से भी अगर अनुरोध किया जाता था
भी रोजी रोटी है, उतना बड़ा दंड नहीं है। ये अनुपस्थित हो गए, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उसका बीमार हो गए थे, ये इस कारण से अब इनको बहाल कर दिया जाए। लेकिन ये उन्हीं लोगों को करते थे जिनका पैसा मिलता था, जिनका पैसा नहीं मिलता था, चाहे वो जितना सिफारिश वाला हो, चाहे जितनी विनती करने वाला हो, उसका नहीं, उसी उन्हीं का नाम ये लिस्ट में रखते थे आर्बिट्रेशन की, जिनसे पैसा मिल जाता। आपको कितने समय से प्रताड़ित कर रही है? हमें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, तो सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे, जो पीड़ित थे सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे और मुझसे कहते थे कि हमारा ये काम इतने पैसे में हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। फिर मैंने इनको एक अपना जायज प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र देने के बाद मैंने भी वही चीज़ देखी जो ये अन्य के साथ करते थे। तो 4 महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद मैंने इनसे प्रार्थना की तो इन्होंने कहा पैसे लगे। मैंने पुनः एक रिमाइंडर प्रार्थना पत्र डाला तो कहा गया कि चाहे जितने रिमाइंडर दो, पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा। तो क्या आप अपनी इसकी शिकायत स्टेट लेवल के कार्यालय पे नहीं किया, राज्य स्तर के? जी ऐसा है सर कि कार्यालय आदेश बना हुआ रखा है, सब चीज़ ओके है, केवल साइन करने के पैसे चाहिए थे।